प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को पीएम रिलीफ फंड में सैलरी दान करने पर धन्यवाद दिया है। पीएम ने चिट्ठी लिखकर डॉक्टर सुभाष चंद्रा के फैसले की तारीफ की। सांसद के तौर पर मिलने वाले वेतन को छोड़कर आपने जो फैसला लिया वो प्रशंसनीय है। हम परोपकार पुण्याय की बात करते हैं, लेकिन आपने उसका आचरण किया है। हमारी संस्कृति में दूसरों के लिए काम आने वाले जीवन को सार्थक माना गया है। आशा है कि आपकी ये पहल दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 24 मार्च को राज्यसभा सांसद के तौर पर मिलने वाली अपनी पूरी सैलरी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में दान की थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ये भी कहा था कि वो भविष्य में भी सांसद के तौर पर अपनी सैलरी से सिर्फ एक रुपया ही लेंगे, बाकी सैलरी पीएम रिलीफ फंड में दान देंगे। चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टियों को ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की चुनौती दे डाली है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग मई के पहले हफ्ते में वर्कशॉप करेगा, जिसमें मीडिया की मौजूदगी में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट को खुला चैलेंज दिया जाएगा कि वो ईवीएम या वीवीपीएटी को हैक करके दिखाएं। आयोग ईवीएम को टेम्पर करके दिखाने के लिए पूरे 10 दिन का वक्त दे सकता है। आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी पर सवाल उठाने पर 2009 में भी ऐसी ही एक वर्कशॉप की थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में आज 13 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। विपक्ष ने ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर राष्ट्रपति को जानकारी भी दी। उनको बताया कि अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन को मिला है, विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन इसमें कोई न कोई रास्ता दिखाएगा ताकि भारत के लोगों का विश्वास वापस प्राप्त हो जाए। वहीं सरकार ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ईवीएम को बहाना बनाकर गलत प्रचार किया जा रहा है। असहाय होके, निसहाय होके, हताश होके सरकार के खिलाफ डे वन से गलत प्रचार शुरू किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने ईवीएम को टेंपर प्रूफ बताया है। मोइली ने एक बार फिर कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। विपक्षी दलों की बैठक के दौरान मोइली ने ईवीएम को लेकर विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया। मोइली ने कहा कि बैलेट पेपर सिस्टम पर कभी लौटना नहीं चाहिए। We have to go forward in improvement of the technology. Maybe EVM matter verified and by technical people they said that there's nothing wrong about it. यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। अखिलेश सरकार में बेहद प्रभावशाली अधिकारी रहे नवनीत सहगल से सभी जिम्मेदारियां ले ली गई हैं। उन्हें फिलहाल वेट लिस्ट में रखा गया है। नवनीत सहगल की जगह अवनीश कुमार अवस्थी को तैनात किया गया है। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमन को भी वेट लिस्ट में रखा गया है। रमा रमन की सभी जिम्मेदारियां मेरठ के डिविजनल कमिश्नर आलोक सिन्हा को सौंपी गई हैं। इन्वेस्टमेंट कमिश्नर अमित मोहन प्रसाद को नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मौजूदा सीईओ दीपक अग्रवाल को भी वेट लिस्ट में रखा गया है। लखनऊ के कमिश्नर भुवनेश कुमार और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विजय यादव को भी हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष की वजह से ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका हक नहीं मिल रहा। पीएम ने इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले बिल के संसद से पास न होने का उदाहरण दिया। बीजेपी के ओबीसी सांसदों की बैठक के दौरान पीएम ने हैरानी जताई कि सभी पार्टियों के भरोसे के बावजूद राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये बड़े आश्चर्य की और एक विस्मय की और खेद का विषय है कि इसको राज्यसभा में पारित नहीं किया गया। यह एक आश्चर्य का विषय है जबकि सभी राजनीतिक दलों की इसके ऊपर एक व्यापक और आम सहमति की धारणा निर्मित हो गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बिल को 2 दिन पहले लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास किया था। बिल पास होने के बाद ओबीसी लिस्ट में जातियों को जोड़ने या घटाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी। ट्रिपल तलाक को लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। पक्ष रखने से पहले यूपी सरकार मुस्लिम महिलाओं की राय जानेगी। उनसे मिली जानकारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिम महिलाओं के रुख के बारे में बताया जाएगा। हमने ये स्पष्ट कहा है कि महिलाओं की ओपिनियन लेके उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस विधि से हम इसको लोगों की राय को प्राप्त करें।
ट्रिपल तलाक की शिकार कई महिलाएं योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा चुकी हैं। अब पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बदलेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में बदलाव का असर पेट्रोल और डीजल के दाम पर दिखेगा। सरकारी तेल कंपनियां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे 1 मई से देश के 5 शहरों में लागू करने जा रही हैं। शुरुआत में पुडुचेरी, राजस्थान के उदयपुर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, झारखंड के जमशेदपुर और चंडीगढ़ में रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा होगी। 5 शहरों से मिले फीडबैक के आधार पर इसे देश के दूसरे शहरों में लागू करने पर फैसला होगा। सरकारी कंपनियां फिलहाल हर 15 दिन में तेल की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसमें वो छोटा सा प्राइस को हर रोज चेंज कर और इसमें ज़्यादा दिक्कत कस्टमर को ना हो या डीलर को ना हो या कंपनियों को लॉस ना हो, इस सबको ही अच्छा रहेगा। सरकार ने आज खत्म हुए संसद के बजट सत्र को संसदीय इतिहास का सबसे सफल बजट सत्र में से एक बताया। इस सत्र में 18 बिल पास हुए, जिनमें सबसे अहम जीएसटी बिल रहा। इसे 1 जुलाई से लागू होना है। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल और एनिमी प्रॉपर्टी बिल को भी सरकार संसद के दोनों सदनों में पास करवाने में कामयाब रही। बजट सत्र में लोकसभा में 114% और राज्यसभा में 92% काम हुआ। जहां जहां भी हमें लगा कि लोकसभा में अपने भारी बहुमत की वजह से उन्होंने बुलडोज किया है, वहां हमने राज्यसभा में उन्हीं बिलों को अमेंडमेंट की सूरत में संशोधन किया। सत्र खत्म होते होते ओबीसी बिल पर कांग्रेस ने राज्यसभा में भी ब्रेक लगा दिया। मोटर व्हीकल एक्ट और फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल भी एतराजों के बीच राज्यसभा में पास नहीं हो सका। पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पूर्व सैनिकों ने जाधव को दी गई सजा के खिलाफ पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कब्जा हुई जमीन को वापस किया, हमने हाजी पीर को वापस किया, क्या हमारे एक जवान को वो ऐसा अत्याचार कर रहे हैं? उसको सिविल कोर्ट को ट्राई करना चाहिए था, मिलिट्री कोर्ट ने ट्राई किया है उसको। कुलभूषण जाधव को सजा के मामले में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की। पाक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने तय किया है कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के 2 कमांडो को गहरे समंदर में डूबने से बचा लिया। इस बोट में 6 मरीन कमांडो सवार थे, 4 पाकिस्तानी कमांडो को बचाया नहीं जा सका। पाकिस्तानी मैरिटाइम सिक्योरिटी की हाई स्पीड बोट रास्ता भटक गई थी। पाकिस्तानी एजेंसी ने भारतीय कोस्ट गार्ड से मदद मांगी। कोस्ट गार्ड ने गुजरात के ओखा एरिया में शिप और हेलीकॉप्टर की मदद से बचाव ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तानी मैरिटाइम सिक्योरिटी की बोट में खराबी आने के बाद वो समंदर में फंस गई थी। इस दौरान भारतीय मछुआरों ने भी इनकी भरपूर मदद की। दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा को लेकर चीन ने कहा है कि इससे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने पर असर पड़ेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने एक बयान में अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बताया और आरोप लगाया कि तिब्बती धर्मगुरु की यात्रा के दौरान भारतीय अधिकारियों और दलाई लामा ने भड़काऊ राजनीतिक बयानबाजी की। लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पीडब्ल्यूडी ने आम आदमी पार्टी को राउस एवेन्यू में अलॉट दफ्तर को तुरंत खाली करने को कहा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के आवंटन को रद्द कर दिया था, जिसके बाद अब पीडब्ल्यूडी ने ये नोटिस जारी किया है। आरोप है कि एएपी ने इस बंगले में अवैध तरीके से दफ्तर खोला था। शुंगलू कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस आवंटन पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पार्टी के नेता महाबल मिश्रा पर राहुल गांधी को अपशब्द कहने का आरोप लगा है। एक ऑडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें महाबल मिश्रा कथित तौर पर ब्रह्म प्रकाश नाम के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। सॉरी, मैं क्या माफी चाहूंगा, मैं क्या कहूँ ब्रह्म प्रकाश, मैं क्या कहूँ राहुल गांधी, क्या समझ नहीं आता ये राहुल गांधी क्या है। जीरो कर दिया कांग्रेस का, फिर भी यही हालत हो गया। महाबल मिश्रा से जब इस ऑडियो क्लिप को लेकर सवाल पूछा गया तो वो भाग खड़े हुए। एक ऑडियो है, इसमें छोटा सा रिएक्शन लिख दो। ये आपका है ऑडियो सर, इसमें जो बोला गया है, आपकी आवाज है इसमें? आओ जी, कुछ नहीं है मेरा।
बीजेपी ने कहा कि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता पार्टी की बुरी हालात के लिए राहुल गांधी को ही जिम्मेदार मानते हैं। ये सारे लोग कांग्रेस के डूबने के लिए राहुल गांधी को ही जिम्मेदार मानते हैं। आप उसको देखिए जिस तरीके की भाषा उसमें सांसद यूज कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, वो हम तो यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन उससे बड़ा स्पष्ट है कि नीचे बिल्कुल पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। जी न्यूज इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। 30 अप्रैल तक अगर आप अपने बैंक खाते को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो आपका खाता ब्लॉक हो सकता है। जिन लोगों के बैंक या वित्तीय लेनदेन से जुड़े खाते जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खुले हैं और उन्होंने केवाईसी से जुड़ी जानकारी और आधार नंबर बैंक या वित्तीय संस्थानों को नहीं दिए हैं तो खाते बंद हो जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन खातों के बेरोकटोक संचालन के लिए 30 अप्रैल तक फॉरेन टैक्स कंप्लायंस एक्ट के तहत जरूरी जानकारियों को सेल्फ सर्टिफाई भी करना होगा। ब्लॉक करने के बाद डिटेल देने पर खाते फिर से चालू हो जाएंगे। इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों को आधार देने के लिए तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। पहले 31 मार्च तक आधार नंबर देना जरूरी था। बीकानेर जमीन घोटाले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा के नजदीकी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। फरीदाबाद में वाड्रा के करीबी अशोक कुमार और महेश नागर के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। महेश नागर को वाड्रा की कंपनी ने जमीन खरीदने बेचने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। अशोक कुमार महेश नागर का ड्राइवर रह चुका है और दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं।